मैनी कंग्रेचुलेशन ऑन क्वालिफाइंग नेट एल एस नेट एल एस के साथ ही आप एलिजिबल होते हो फॉर गिविंग द एग्जाम्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि स्टेट सर्विस कमीशन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम कराते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो बट अगर आप रिपीटडली नेट ला रहे हो तो क्या होगा रिपीटडली नेट लाना मीन्स कुछ नंबर से क्लोज रहना कुछ मार्क्स से जे आर एफ तक यू नो जस्ट टचिंग द बाउंड्री एंड गेटिंग बैक तो उसका कुछ सल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रीज़न कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिपीटेडली नेट मिल रहा है और क्या क्या उसके सल्यूशन्स हो सकते हैं उन कारणों के मेरी समझ से आज तक के एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो स्टार्ट करते हैं हेलो एवरीवन वेलकम टू बायो लाइब्रेरी मैम और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों आप रिपीटेडली यानी कि बार बार क्यों आपका नेट एलिश होता है और कुछ नंबर्स के मार्जिन से आप रह जाते हैं जे से मैं कोई यू uh, नो you know, ऐसे फॉर्च्यून टेलर नहीं हूँ मुझे सबके बारे में नहीं पता बट येस yes, एक फेयर शेयर ऑफ बच्चों के बारे में मुझे पता है फेयर शेयर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ बार बार ये हो रहा है जिनने ये एक्सपीरियंस किया है वो डेटा मेरे पास है तो उसके बेसिस पे मैं कुछ रीजंस और उनके सोल्यूशंस बताने की कोशिश करूँगी अब बिल्कुल बायस्ड मत होना कि अरे ये कैसे कह दिया बट अब कोशिश करना कि आप उसके रूट कोज को समझो कि अगर मैं जो कह रही हूँ उसका सेंस बनता है तो प्लीज़ आप उसको फॉलो करो ठीक है तो आप रिपीटेडली नेट क्यों ला रहे हो क्योंकि आप रिपीटेडली कुछ तो फॉलो कर रहे हो राइट right? अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी या फिर जो भी रणनीति हमने बनाई है उससे चेंज नहीं करेंगे तो हाईली लाइकली पॉसिबिलिटी है या ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें बार बार वही रिजल्ट मिलेगा तो कुछ मैंने रीजन्स लिखे हैं अपनी समझ से और उनके सल्यूशन्स लिखे हैं तो उस रीज़न का सोल्यूशन मैं साथ के साथ आपको बताते हुए चलूँगी तो पहला रीज़न है कि लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग पी वाई इस पर तो जितना एम्फिस किया जाए जितना जोर दिया जाए बहुत कम है अगर आप पी वाई क्यूज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको असल फ़ील कैसे आएगा आपको असल में कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है या फिर वो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है या वो क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं ठीक है तो पहला फोर मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग इनअ पी वाई क्यूज हम उतने पी वाई क्यूज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जिसका कि कुछ भी रीज़न हो सकता है हमें डर लग सकता है डर वन ऑफ द मेजर फैक्टर है आप मानो चाहे ना मानो डर वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हम एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं राइट दूसरा फैक्टर हो सकता है कि हमें चार पांच पी वाई क्यूज आ रहे थे उसके आगे आना ही बंद हो गए तो हमने लगाना भी बंद कर दिया राइट दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसी समय हमें कोई खुशी नहीं मिल पा रही है उसकी वजह से ठीक है तो इसका सल्यूशन क्या होगा कि विदाउट एनी फर्दर डू बिल्कुल आपको टाइम नहीं लेना है जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है आप प्रैक्टिस करो अगर आप रिपीटेडली नेट ला रहे हो तो आपको पता तो है सिलेबस क्या है आप समझ तो रहे हो कि एग्जाम क्या है तो अब आपको अगर हर चीज़ की समझ है तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस लगाओ ऐसा तो है नहीं कि आपको सिलेबस ही नहीं पता आपको तो हर चीज़ पता है तो आप पी वाई क्यूज से स्टार्ट करिए थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सुनने में बट कुछ हैंडफुल अमाउंट ऑफ एग्ज़ाम्स निकले हैं मुझसे तो मैं समझती हूँ कि पी वाई क्यूज़ लगाना कितना इम्पॉर्टेंट है राइट उनसे कितनी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं ठीक है तो बिल्कुल टाइम नहीं गंवाना है आपको आपको पी वाई क्यूज़ लगाने हैं हाँ अनकम्फर्टेबल फ़ील होगा कितने दिन सेवन डेज एक वीक दो वीक इससे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा बिलीव मी आपको पी वाई क्यूज़ लगाने हैं चाहे जितना भी टफ़ लगे आप टाइमर लगा के करो आप ऐसी जगह जाके करो जहाँ आपको पीसफुल फील होता है कुछ भी करो बट आप पी वाई क्यूज़ डेफिनेटली लगाओ ठीक है दूसरा है चेंजिंग सोर्स ऑफ स्टडी फ्रीक्वेंटली अब आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने ही सजेस्ट कर दिया कि ए बी सी में से मैंने तो सी से पढ़ा था अरे नहीं बी से अच्छा रिजल्ट आ रहा है आजकल तो आप बी और सी दोनों सोर्सेज ट्राई करोगे बिल्कुल नहीं आप इतनी जल्दी अगर सोर्स ऑफ स्टडी अगर चेंज करने लगे बिल्कुल हाँ ये बात एकदम सही है कि जो सिलेबस है वो तो कांस्टेंट है राइट right? लेकिन पढ़ाने का तरीका और उसे प्रेजेंट करने का तरीका हर जगह अलग होता है तो अगर सोर्स ऑफ स्टडी आप फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे तो हमारा दिमाग उतनी जल्दी कोपअप नहीं कर पाता उतनी जल्दी बैठ नहीं पाता उस तरीके के पैटर्न में तो इसको एक पैटर्न में बिठाने के लिए आपको एक सोर्स ऑफ स्टडी ही यूज़ करना पड़ेगा अब इसका सोल्यूशन क्या है प्रोबेबल रीज़न तो ये हो गया कि हो सकता है कि आप सोर्स ऑफ स्टडी बार बार चेंज कर रहे हो इसका सल्यूशन है कि आप एक ही सोर्स ऑफ स्टडी पे स्टिक करें और जैसे पोस्ट ट्रांसलेशनल या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है आप अपने नोट्स को मॉडिफाई करें आप एक पेज स्टिक कर सकते हो आप हो सकता है स्टिकी नोट्स स्टिक कर सकते हो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि ओके फाइन दिस इंफॉमेशन हैज बीन अपडेटेड ये इंफॉमेशन इस तरीके से अपडेट की जा चुकी है ठीक है तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि हम सोर्स ऑफ स्टडी कोशिश कर रहे थे कि बार बार चेंज हो जाए वो हम कर नहीं रहे थे क्योंकि हम देख रहे थे सबकॉन्शियसली कि यार तो इस यू नो सोर्स ऑफ स्टडी से आ रहा है तो हमें रिज़ल्ट चाहिए इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि हम भी उस तरीके से करें बट डेफिनेटली इतने शॉर्ट स्पैन में सोर्स ऑफ स्टडी चेंज करके आपको कोई बहुत बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा थर्ड रीजन इज नॉट मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी फॉलोइंग समी एल्स स्ट्रैटेजी बी टॉपर स्ट्रैटेजी आपने कहीं से भी सुना कि कोई रात में कम्फर्टेबल है कोई सुबह में कम्फर्टेबल है पढ़ने के लिए तो आपने सोचा कि यार कल से बहुत ही स्ट्रिंजिन स्ट्रिक्ट सा प्लान बनाएंगे एंड इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे बट मी बीइंग अ डिफरेंट पर्सन यू बीइंग अ डिफरेंट पर्सन हम दोनों एक चीज़ पे अग्री हो सकता है ना करें हो सकता है करें तो हम सबकी बॉडी डिफरेंट है हम सबका ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस डिफ़रेंट टाइम पे देता है हो सकता है आपको मॉर्निंग में पढ़ना पसंद हो और मुझे रात में पढ़ना पसंद हो अगर हम दोनों स्विच करने लगे कि आप रात में और मैं मॉर्निंग में तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डेफ़िनेटली गिर जाएगी तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी तो बनानी है सोल्यूशन ये है कि स्ट्रेटेजी तो बनानी है लेकिन इंसान आप होंगे आपको पता होना चाहिए ठीक है आप जब भी जे का एग्जाम देते हो आप ट्वेंटी प्लस होते हो कुछ नहीं तो आप ट्वेंटी टू भी प्लस होते हो तो ट्वेंटी टू ईयर्स इस बॉडी में रह के आपको पता तो चल गया होगा ना कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो या दो में कंफर्टेबल हो या क्या आपके ट्रिगर्स हैं क्या आपके स्टिमुलस हैं पढ़ाई के लिए ठीक है आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे बाय लुकिंग एट द पर्सन यू आर एट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर उस चीज़ को देख के आप स्ट्रैटेजी बनाइए फोर्थ पॉइंट इज प्रो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स ये तो बहुत होता है कि बहुत सारे बच्चों को बाई केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो बाई केमिस्ट्री लास्ट में पढ़ेंगे डिप बायो नहीं पसंद है तो डिप बायो लास्ट में पढ़ेंगे बिल्कुल ही आप प्रो मत करो जबकि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के तो आप चंक रखो मतलब आप शुरुआत में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को ख़त्म करो फिर आफ्टर वन वीक आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का रिविजन करो आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को तो अपनी आईज से दूर होने ही मत दो दैट सब्जेक्ट शुड बी ऑन योर टेबल ऑलवेज यू नो उस सब्जेक्ट को जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उसको टेम करने के बाद या फिर उसको अपने काबू में लाने के बाद जो खुशी मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती तो आप कोशिश करो कि जो आपको अभी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है आप उसमें एटलीस्ट सेवेंटी टू एट्टी परसेंट महारत हासिल कर लो शुरुआत के टाइम में ठीक है उसके बाद आप उसको रिपीट करते हुए चलो तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा प्रॉब्लम थी कि हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे इसका सोल्यूशन यही होगा कि हम उठाएंगे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को चाहे हमें जितना भी डर लग रहा हो इसका एक और तरीका होता है जो मैं करती हूँ हालाँकि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हम मुझे लगते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट लगते हैं तो जब भी मैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स कोई सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ और मेरा ब्रेन उस मोमेंटम को पकड़ लेता है कि ठीक है अब मैं पढ़ाई कर लूँगी मैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठा लेती हूँ आई हैव दिस थिंग ऑफ ट्रिकिंग माई ब्रेन ऑलवेज क्योंकि मेरे साथ और कोई चीज़ काम कर नहीं पाई कभी अगर मैं शुरुआत में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठाऊंगी तो आई विल स्लीप मतलब वो होगा ही नहीं फिर तो मैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स एक इजी सब्जेक्ट एक स्मूथ सब्जेक्ट उठाती हूँ जब मेरा ब्रेन मोमेंटम पकड़ लेता है तो मैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाती हूँ एंड आई ट्रिक माय ब्रेन कि हाँ ठीक है एंड आई कैन प्रैक्टिस दैट सब्जेक्ट जो कि डिफिकल्ट लग रहा है एन नंबर ऑफ टाइम्स मैं कितने भी टाइम्स उसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी नॉट एन एक्सपर्ट बट क्लोज टू अ पर्सन जो एटलीस्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाए उस सब्जेक्ट के ठीक है तो आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को आपको शुरुआत में पढ़ना है बस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास अगर टाइम कम होता है तो हम पैनिक कर जाते हैं और हम सारा जो भी हम अगर फेल होते हैं तो सब कुछ उस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे डाल देते हैं कि यार इसकी वजह से नहीं हुआ तो अगर उस पे डाल रहे हो आप तो आप शुरुआत में उसे पढ़ोगे आप मिड में उसे पढ़ोगे आप दो तीन बार उसे रिवाइज करोगे आप लास्ट में भी उसे रिवाइज़ करोगे चाहो तो आप उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो ठीक है फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट जो मैं समझती हूँ इज़ नॉट एनालाइजिंग द ट्रेंड देखिए अगर अब आप लोग को ऐसा लगेगा कि हो सकता है जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं वो दो तीन साल पुराने ही हैं नो no, वो स्टूडेंट पाँच से छः साल पुराने भी हैं ठीक है ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका एम या फिर मास्टर्स आज से फाइव टू सिक्स ईयर्स पहले हुआ था तो दे शुड कीप इन माइंड कि तब ट्रेंड एकदम अलग था और अब ट्रेंड एकदम अलग है एकदम अलग व्हेन आई से दिस आप एन के एग्जाम पैटर्न को देखोगे ना बीस में जब ये चेंज हो गया था तो आपको बीस से एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस दिखेगा उन्नीस के पेपर्स उठा लो आप 19 तक के एंड 20 के बाद के पेपर्स उठा लो आपको एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस मिलेगा आपको पैटर्न क्या आपको लाइंस जो आप पढ़ोगे ना रीडिंग में डिफ़रेंस मिलेगा आपको इन टर्म्स ऑफ जो बुक्स उनने फॉलो की हैं उसमें डिफरेंस मिलेगा तो आपको ये डेफिनेटली देखना है इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि ट्रेंड चेंज हुआ है और अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो आपकी जो वर्किंग स्ट्रैटी है वो भी चेंज होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग ठीक है ये सिर्फ उन बातों के लिए जहाँ पे आप पाँच से छः या फिर सात नंबर के मार्जिन से रह गए आप एल एस हो और आप जे नहीं हो पाए सी ये पूरा एक अटेम्प्ट ले जाता है ये पूरा एक साइकिल ले जाता है मे बी आप पी ज्वाइन कर लेते मैं आपको बहुत दुखी नहीं कर रही हूँ बट डेफिनेटली आपको एक सिनारियो बता रही हूँ कि इतने टाइम में जिसमें आप एक और साइकिल ऑफ जे आर एफ एग्ज़ाम दोगे उतने में आप शायद अपना कोर्स वर्क का बहुत हद तक काम पूरा कर लेते ठीक है तो प्लीज़ प्लीज़ कीप इन माइंड कि बाउंड्री टच करके वापस आ रहे हो तो आप में पूरा कैलेबर है डेफ़िनेटली और लाइक पोटेंट उस चीज़ को पाने के लिए तो आपको बस क्या करना है अपने आप को एनालाइज़ करना है एंड वर्क ऑन योर सेल्फ डेफिनेटली वो पाँच से सात नंबर आपको पता है कहाँ जा रहे हैं अगर मेरे पॉइंट्स में से कुछ रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ उसे फॉलो करिए अदरवाइज़ आप बैठ के एनालाइज़ करिए ठीक है थैंक यू एवरीबडी एंड डेफिनेटली डेफिनेटली इतनी बार बोल दिया इट हैज़ बिकम अ पेल रोम नाउ तो आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा आपको बस कोशिश करनी है कि आपको अपने बारे में पता हो मैनी स्टूडेंट्स थिंक किया रही ही कौन सी बात है बट अनलेस अगर कहीं स्टक हो रहे हो आप तो आप में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम किसी और चीज़ में नहीं है आप में प्रॉब्लम है यू हैव टू एनालाइज़ अबाउट योर सेल्फ़ आप एनालाइज़ करो कि आप किस चीज़ से डर रहे हो वहाँ कहीं आपकी वो जो सक्सेस है ना वो वहाँ पर रुकी हुई है ठीक है सो थैंक यू एवरीबडी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे